हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर में क्या होता है कि जो फर्स्ट स्टेज है और सेकंड स्टेज है, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज को जो कपलिंग की जाती है, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज की, वह ट्रांसफार्मर के थ्रू कपलिंग की जाती है। कहने का मतलब फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को जो वह जो सेकेंड स्टेज के इनपुट में जाएगा वह किसके थ्रू जाएगा, ट्रांसफार्मर के थ्रू जाएगा। फर्स्ट स्टेज का आउटपुट को कपल करते हैं ट्रांसफार्मर से, वह ट्रांसफार्मर होके जाएगा और सेकेंडरी वाइंडिंग से होते हुए सेकेंड स्टेज के इनपुट में जाएगा। तो यहाँ पे जो जैसे आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज के बीच में कैपेसिटर लगाया था, वैसे ही यहाँ पे ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर में फर्स्ट स्टेज यानी फर्स्ट एम्पलीफायर और सेकेंड स्टेज एम्पलीफायर के बीच में ये कपलिंग ट्रांसफार्मर लगा है जो आउटपुट को कपल कर रहा है और सेकेंड इनपुट में जाएगा। वैसे यहाँ पे तीसरा अगर एम्पलीफायर होगा तो सेकेंड जो ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है उसके आउटपुट वह ट्रांसफार्मर से जाएगा, वह ट्रांसफार्मर से तीसरे एम्पलीफायर के इनपुट में जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर के द्वारा कपलिंग कर रहे हैं, आउटपुट को जोड़ रहे हैं, फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को सेकेंड स्टेज के इनपुट से कपलिंग के द्वारा ट्रांसफार्मर के द्वारा कपलिंग करते हैं, ट्रांसफार्मर के द्वारा जोड़ते हैं। ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू कपल फर्स्ट टू सेकेंड स्टेज अदर स्टेज, आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज गोज टू इन। यहाँ पे क्या है कि जो फर्स्ट स्टेज का जो आउटपुट है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर फर्स्ट का जो आउटपुट है कलेक्टर से हम ले रहे हैं, वह यहाँ पे कलेक्टर से यहाँ पे क्या कनेक्ट किया हमने, ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है, तो ये प्राइमरी वाइंडिंग में यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वह प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफार्मर एक्शन के द्वारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेज का आउटपुट जाएगा। और वह जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वह किससे कनेक्ट है, सेकेंडरी वाइंडिंग सेकेंड स्टेज के बेस से कनेक्ट है। ये बेस है, ये कलेक्टर और ये एमिटर, तो ट्रांजिस्टर सेकेंड के बेस से कनेक्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज का आउटपुट प्राइमरी वाइंडिंग में जाता है और प्राइमरी वाइंडिंग से ट्रांसफार्मर एक्शन के द्वारा वह सेकेंड ट्रांजिस्टर है वह उसके बेस में जाता है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर एक्शन के द्वारा यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग में आउटपुट जाएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में फर्स्ट स्टेज का आउटपुट जाएगा और वह फर्स्ट स्टेज का आउटपुट सेकेंड स्टेज के इनपुट से, ये ट्रांजिस्टर सेकेंड है वह उसके बेस इनपुट से कनेक्ट है, बेस इनपुट में जाएगा और वहाँ पे ये फिर से एम्पलीफाई होगा। यहाँ पे ट्रांजिस्टर T1 क्या कर रहा है, फर्स्ट स्टेज है तो वह क्या कर रही है, यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल हमने Vin अप्लाई किया है, बेस में अप्लाई कर रहे हैं, तो बेस में अप्लाई किया है तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर T1 क्या करेगा, इनपुट सिग्नल Vin को एम्पलीफाई करेगा और एम्पलीफाइड आउटपुट है जो प्रवर्धित आउटपुट है, वह प्रवर्धित आउटपुट हमें यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में मिलेगा। ये क्योंकि कलेक्टर से हम आउटपुट लेते हैं तो कलेक्टर में यहाँ पे ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे हमें कलेक्टर में आउटपुट मिलेगा, प्रवर्धित आउटपुट एम्पलीफाइड आउटपुट मिलेगा और वह एम्पलीफाइड आउटपुट ट्रांसफार्मर एक्शन के द्वारा सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में द्वितीय वाइंडिंग में जाएगा और वहाँ से वह सेकेंड स्टेज के बेस इनपुट में जाएगा। वह जो आउटपुट है वापस ये ट्रांजिस्टर T2 क्या करेगा, वापस उसको एम्पलीफाई करेगा, फिर से उसको प्रवर्धित करेगा और फिर से वह आउटपुट हमें कलेक्टर में ट्रांजिस्टर T2 के कलेक्टर में मिलेगा। तो यहाँ पे कलेक्टर में वापस हमने यहाँ पे क्या किया, ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया, तो कलेक्टर के प्राइमरी वाइंडिंग में जाएगा और ट्रांसफार्मर एक्शन के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा और सेकेंडरी वाइंडिंग से हमें आउटपुट में मिलेगा। तो आउटपुट में लोड के थ्रू हम आउटपुट ले रहे हैं और यहाँ पे लोड को हमने एज ए एग्जाम्पल के तौर पर स्पीकर कनेक्ट किया हुआ है लोड, तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा, एम्पलीफाइड आउटपुट मिलेगा। तो दो स्टेज से ये एम्पलीफाई हुआ है और ये एम्पलीफाइड आउटपुट और यहाँ पे जो कपलिंग कर रहे हैं वह ट्रांसफार्मर के द्वारा कपलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाने का उद्देश्य ये है कि हम जो अभी पढ़े थे डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर और आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, उन दोनों में एक कमी थी कि जो आउटपुट है वो हम अब कंपेरिजन में देख लेते हैं कि तीनों एम्पलीफायर का कंपेरिजन कर लेंगे, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर और डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। तो इन तीनों एम्पलीफायर में
ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर का यही उद्देश्य है कि ट्रांसफार्मर लगाने से क्या होगा कि जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर है, जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी आउटपुट में, वह सबसे ज़्यादा होगी, पावर ट्रांसफर सबसे मैक्सिमम होगी। और बाकी जो है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर और डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, उसमें जो पावर ट्रांसफर होती है आउटपुट में वह नहीं होती, मैक्सिमम नहीं होती। और यहाँ पे मैक्सिमम पावर आउटपुट में ट्रांसफ़र होती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। क्यों मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी? क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर लगाया और ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, इम्पेंडेंस मैच कर रहा है। अब इम्पेंडेंस मैचिंग क्या होती है वह हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि इम्पेंडेंस मैचिंग क्या होती है। तो इम्पेंडेंस मैचिंग से क्या होगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर प्रोवाइड कराता है ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि इम्पेंडेंस मिसमैच होता है, और डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर प्रोवाइड नहीं कराता। हम इम्पेंडेंस मैचिंग पढ़ लेते हैं कि इम्पेंडेंस मैचिंग क्या चीज़ होती है। इम्पेंडेंस मैच क्या है कि मैक्सिमम पावर इम्पेंडेंस अगर मैच है, कहने वाला इम्पेंडेंस मैच किसका होगा, यहाँ पे आउटपुट से इम्पेंडेंस मैच होगा। देख लो यहाँ पे पूरा, अभी इसको समझ लेते हैं। जैसे ये कलेक्टर है, ये अमीटर है और ये बेस है। तो कलेक्टर से ये ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया हुआ है, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग N1 टर्न है इसके, और यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग और इसके N2 टर्न है। ये लोड RL, ये VCC सप्लाई, और यहाँ पे हम आउटपुट ले रहे कलेक्टर से। तो हम पहले पढ़ लेते हैं कि क्या होता है ट्रांसफार्मर एक्शन। हम जानते हैं कि यहाँ पे जैसे V1 वोल्टेज है, यहाँ का वोल्टेज V1, प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज V1 और सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज V2, यहाँ का करंट I1 और यहाँ का करंट I2। तो क्या होता है, V1/V2 इक्वल टू I2/I1 बराबर K क्या है, टर्न रेशियो। ये हम जानते हैं ट्रांसफार्मर की इक्वेशन। तो इससे हम देख लेते हैं कि V1 इक्वल टू क्या होता है, R1 × I1, V2 इक्वल टू R2 × I2। ये दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा K इक्वल टू, हमने माना ही था V1/V2 इक्वल टू K। तो V1 की जगह हमने R1 I1 लिख दिया, V2 की जगह R2 I2 लिख दिया, इक्वल टू K। R1 R2 क्या है, R1 ये प्राइमरी वाइंडिंग का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R2। तो R1/R2 क्या हो जाएगा, I1/I2 क्या था, I2/I1 इक्वल टू K था। तो I1/I2 क्या हो जाएगा, 1/K, यहाँ पे 1/K आ जाएगा, और वह K यहाँ से नीचे है तो इधर जाएगा तो गुणे में आ जाएगा, तो ये K² हो जाएगा। कहने का मतलब R1/R2 क्या हो जाएगा, K² प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R1, सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R2। तो R1/R2 करते हैं तो वह क्या आता है, K²। K क्या है, टर्न रेशियो। तो ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर है, इन ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है लोड में, जो यहाँ पे लोड में जो पावर ट्रांसफर हो रही है वह मैक्सिमम होगी। यहाँ से मैक्सिमम पावर लोड में जाएगी। तो वह क्यों जाएगी, क्योंकि इम्पेंडेंस मैच हो रहा है। अब इम्पेंडेंस किस किस का मैच कराना है हमको, वो देख लेते हैं। इम्पेंडेंस एक तो होता है यहाँ, ये यहाँ का जो प्राइमरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वह है R1। वह क्या होता है, जो ये लोड रेजिस्टेंस है उसका रिफ्लेक्ट होता है, वह लोड रेजिस्टेंस जो है वह रिफ्लेक्ट होता है प्राइमरी वाइंडिंग में। तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वह क्या कहलाता है, RL-, जो इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस, रिफ्लेक्ट होता है जो लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग का, वह रिफ्लेक्ट होता है प्राइमरी में। तो प्राइमरी में रिफ्लेक्ट होता है, तो ट्रांसफार्मर की जो ये प्राइमरी साइड है, यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग पे जो लोड है वह कितना होगा, RL-। तो R1 इक्वल टू क्या होगा, RL-। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 इक्वल टू RL-, और यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग का जो लोड रेजिस्टेंस है वह कितना होगा, R2। RL इक्वल टू यहाँ पे क्या है, R2। ये R2 है, ये R1। तो R1 क्या है, जो लोड रेजिस्टेंस है वह रिफ्लेक्ट होगा वापस प्राइमरी वाइंडिंग में, रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्टेड रेजिस्टेंस, रिफ्लेक्टेड लोड कहते हैं उसको, R1 इक्वल टू RL-। तो यहाँ पे जो ये रिफ्लेक्ट लोड हो रहा है RL-, वह किसके बराबर होना चाहिए, वह जो ये जो ट्रांजिस्टर लगा है, कहने वाले पूरी स्टेज है
जो हमने अभी ये बनाई नहीं है, यहाँ पे केवल इम्पीडेंस मैच को समझा रहे हैं। तो ये जो पूरा एम्पलीफायर है उसका जो आउटपुट है, एम्पलीफायर का जो आउटपुट है आर नॉट, वह यहाँ से आर एल डैश से मैच होना चाहिए। कहने का मतलब एम्पलीफायर का जैसे आउटपुट है आर नॉट, एम्पलीफायर का जो आउटपुट है आउटपुट रेजिस्टेंस है आर नॉट, वह किससे मैच होना चाहिए, इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस आर एल डैश से मैच होना चाहिए। आर एल डैश इक्वल टू आर नॉट होना चाहिए। तो अब हम बोलेंगे उसको इम्पीडेंस मैच, तब जाके क्या होगा कि जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी एम्पलीफायर से आउटपुट में, जो पावर मिलेगी वह मैक्सिमम पावर मिलेगी। कहने का मतलब यहाँ की पावर जितनी होगी वह इतनी की उतनी लोड में जाएगी। कब जाएगी, जब एम्पलीफायर का जो लोड रेजिस्टेंस है, एम्पलीफायर का जो लोड रेजिस्टेंस है या एम्पलीफायर का जो आउटपुट रेजिस्टेंस है आर नॉट, वह किसके बराबर हो, वह प्राइमरी वाइंडिंग के रिफ्लेक्टेड लोड के बराबर हो। प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है उसके बराबर होना चाहिए। तो आर एल, प्राइमरी वाइंडिंग का जो इफेक्टिव रिफ्लेक्टेड लोड है आर एल डैश, वह किसके बराबर होना चाहिए, वह होना चाहिए रिफ्लेक्टेड लोड इज इक्वल टू एम्पलीफायर के आउटपुट रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। एम्पलीफायर का आउटपुट रेजिस्टेंस का मान आर नॉट, वह किसके बराबर होना चाहिए, आर एल डैश के बराबर होना चाहिए। तब जाके इम्पीडेंस मैच होगी और तब जाके मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी एम्पलीफायर से आउटपुट में, मैक्सिमम पावर मिलेगी लोड में, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। तो आर एल, ये आर वन बटे आर टू इक्वल टू के स्क्वायर था। आर वन क्या था, आर एल डैश, आर टू क्या था, आर टू आर एल था, आर एल इक्वल टू आर टू, तो आर टू की जगह आर एल लिख दिया। तो आर एल डैश क्या हो जाएगा, यहाँ से आर वन बटे आर टू इक्वल टू के स्क्वायर था, आर वन की जगह हमने लिख दिया आर एल डैश, आर टू की जगह लिख दिया आर एल, तो आर एल डैश इक्वल टू के स्क्वायर इंटू आर एल, ये हो गया। तो आर एल डैश का मान, के का मान क्या था, के क्या था, यहाँ पे देख लो, के इक्वल टू एन वन बटे एन टू भी होता है, वी वन बटे वी टू इक्वल टू आई टू बटे आई वन बराबर एन वन बटे एन टू, एन वन टर्न बटे एन टू टर्न, तो एन वन बटे एन टू, तो के स्क्वायर कितना हो जाएगा, एन वन स्क्वायर बटे एन टू स्क्वायर। यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जो ये जैसे लोड माना कि स्पीकर है, जैसे स्पीकर हो हमने ले लिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल के थ्रू पर 100 ओम, तो ये जो स्पीकर यहाँ पे 100 ओम लिया है, ये 100 ओम का स्पीकर है, और ये जो यहाँ पे एम्पलीफायर फर्स्ट का जो आउटपुट रेजिस्टेंस है जो आर नॉट है, उसका मान किस में होता है, वह किलो ओम में होता है, और ये तो ओम में ही है, तो ये दोनों आपस में मिसमैच हो रहे हैं। तो ये दोनों आपस में मैच कराने होते हैं, लगभग बराबर होने चाहिए। ये किलो ओम में है, जैसे कि 10 किलो ओम में, तो ये भी लगभग 8 किलो ओम या 10 किलो ओम तक होना चाहिए। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे अभी स्पीकर जैसे 100 ओम का लिया है, तो यहाँ पे इफेक्टिव, यहाँ पे जो ये जो ये रिफ्लेक्टेड लोड है, यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग का रिफ्लेक्टेड लोड है, वह कितना होना चाहिए, वह किलो ओम में होना चाहिए। तब जाके जैसे माना कि यहाँ पे एम्पलीफायर है, वह ये जो एम्पलीफायर का आउटपुट है, माना कि ये एग्जांपल ही समझा देता हूँ मैं, जैसे ये एम्पलीफायर है, इस एम्पलीफायर का आउटपुट रेजिस्टेंस है, आउटपुट लोड रेजिस्टेंस है, वह कितना है, आर नॉट इक्वल टू 10 किलो ओम, कितना है, 10 किलो ओम इसका एम्पलीफायर का आउटपुट लोड रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम। तो वह 10 किलो ओम किसके बराबर होना चाहिए, वह 10 किलो ओम यहाँ का जो ये रिफ्लेक्टेड लोड है उसके बराबर होना चाहिए। रिफ्लेक्टेड लोड का मान अगर 10 किलो ओम हो गया, इसका मान भी 10 किलो ओम, इसका मान भी 10 किलो ओम, तो 10 किलो ओम दोनों आपस में मैच हो गए, इम्पीडेंस मैच हो गई किसकी, एम्पलीफायर के आउटपुट रेजिस्टेंस की किसकी मैच हो गई, रिफ्लेक्टेड लोड की, प्राइमरी वाइंडिंग के रिफ्लेक्टेड लोड की भी 10 किलो ओम, इसकी भी 10 किलो ओम, तो दोनों आपस में मैच हो गए, इम्पीडेंस मैच हो गई, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो जाएगी लोड में। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे स्पीकर 100 ओम का स्पीकर है, ये 100 ओम का स्पीकर है, आरएल का मान 100 ओम है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लोड कितना हो जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग में रिफ्लेक्टेड लोड कितना हो जाएगा, माना एन वन बटे एन टू का मान 10 है, तो एन वन बटे एन टू 10 है, एन वन में 10 गिरे और एन टू में 1 गिरा है, तो एन वन बटे एन टू कितना हो जाएगा, 10 ओपन 1, तो 10 हो जाएगा एन वन बटे एन टू का मान, और स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, तो आर एल डैश का मान कितना हो जाएगा, तो प्राइमरी वाइंडिंग में रिफ्लेक्टेड लोड इसका मान कितना हो जाएगा 100 इंटू आर एल, और आर एल का मान कितना लिया था, आर एल क्या था, स्पीकर, और स्पीकर माना कि 100 ओम का था, तो 100 इंटू 10 करेंगे तो ये इसका मान कितना आ जाएगा 10 किलो ओम। तो रिफ्लेक्टेड लोड का मान प्राइमरी साइड में कितना आ गया, 10 किलो ओम आ गया,
और हम वही चाह रहे थे कि जैसे एम्पलीफायर का हमने माना था कि एम्पलीफायर का जो लोड रेजिस्टेंस है उसका मान 10 किलो ओम है, वह किससे मैच होना चाहिए, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लोड से मैच होना चाहिए। तो रिफ्लेक्टेड लोड का मान भी 10 किलो ओम आ गया और इसका मान भी 10 किलो ओम था, तो ये दोनों आपस में मैच हो गए। तो क्या होगा, आपस में मैच हो जाने से यहाँ की जो मैक्सिमम पावर है एम्पलीफायर से वह ट्रांसफ़र होगी, किस में ट्रांसफ़र होगी, वह लोड में ट्रांसफ़र होगी। मैक्सिमम पावर इज़ ट्रांसफर टू लोड, क्यों, क्योंकि इम्पीडेंस मैच हो गया, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में और वह वापस सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगी, तो लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। ये था इम्पीडेंस मैचिंग। थैंक यू।